मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हंगामा किया। प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले के विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने एप्रिन पहनकर विरोध किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और दूसरे कांग्रेस विधायक डॉक्टर की तरह एप्रिन पहनकर सदन में पहुंचे। गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध किया और नर्सिंग घोटाले को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने तय किया कि नर्सिंग घोटाले का स्थगन प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नर्सिंग घोटाले से हजारों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि व्यापम घोटाले की तर्ज पर नर्सिंग घोटाला भी हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार स्थगन के माध्यम से चर्चा कराए और सबको न्याय मिले, पूरे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले, ताकि उनके साथ जो परीक्षाओं को लेके भेदभाव हो रहा है उनकी रोकी जा रही है, वो हमेशा उनकी बराबर वो लोग निरंतर परीक्षाएं हो, लेकिन आगे घोटाला नहीं हो, इसको लेके हम विश्वास सारंग के इस्तीफे की बात करें। देखिए, नर्सिंग महाघोटाला है, व्यापम घोटाला पार्ट टू के नाम से भी कह रहे हैं कुछ लोग इसको, तो इसको कुछ लोग सारंग घोटाला भी कह रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ विषय है, छात्रों की लड़ाई और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसको हम लोग स्थगन के माध्यम से चर्चा में लाएंगे और आशा करते हैं कि सरकार इस चर्चा से भागेगी नहीं, चर्चा होगी और आखिरी में चर्चा के मंथन से जो है छात्रों का हित उसमें से निकल के आएगा। जो 3-3 साल से एग्जामिनेशन रुके हुए हैं, छात्र अटके हुए हैं, उन सबका भी उद्धार होगा और जो दोषी मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी होगा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी, ये हमारी आशा रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।